एवरीवन, दिस वीडियो इज अबाउट आईएलटीएस रीडिंग और आज का क्वेश्चन टाइप है हमारा व्हिच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एज वी नो, जैसे हेडिंग होते हैं वो डिफरेंट है, इसमें क्या होता है कि किस पैराग्राफ में इसकी बात हुई है। तो सबसे पहले हम सारा पैसेज देखेंगे। पैसेज इज अबाउट डिप्रेशन, सो वी अंडरस्टूड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। In A, they are talking about it is often more difficult for outsiders and non-sufferer to understand mental rather than physical illness. जैसे आप सबको ही पता है कि लोगों को physical सब दिख जाती है illness, mental illness नहीं दिखती। फिर B में वो कह रहा है clinical depression की बात कर रहा है कि major depressive disorder है ये। और इसने percentage भी बताई है कि UK North America में कितने कितने लोग ऐसे सफ़र होते हैं। फिर C में चलिए, many of us may experience periods of low morale or mood and feeling of dejection as a natural human response to negative event in our lives. यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा situations आ जाती हैं जब हमें life में किसी की death हो जाए, कोई relationship टूट जाए, कोई negative event हो जाए, तो हम सारे उसकी वजह से हमारा हम लोग depression में चले जाते हैं। इन डी दे आर टॉकिंग अबाउट कि क्लिनिकल डिप्रेशन किस तरह से डायग्नोज होता है, कि वो कैसे उसके मूड को देख के क्या होता है, कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड ऑल की बात कर रहा है। अगर हम ई में जाएं गाइस, ई में दे आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, दे आर टॉकिंग अबाउट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, दे आर टॉकिंग अबाउट। एफ पैराग्राफ में वो रीसेंट स्टडीज़ की बात कर रहा है कि रीसेंट स्टडी इसके बारे में क्लिनिकल डिप्रेशन में उससे क्या क्या निकल के आया है। फिर जी में वो बता रहा है कि कईयों में डिप्रेशन जो है कहता फैमिलीज में रन होता है। ये अनक्लियर है कि ये इनहेरिटेड होता है या नहीं, या सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर से होता है। चलिए, अब हमें ओवरऑल एक ओवरव्यू हो गया किस पैसेज में क्या बात हो रही है, लेकिन अब हमें देखना है किस पैसेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो डिप्रेशन। अब उसने क्या बोला है, कहता कि क्या डिटेल्स बताई है ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स की जब वर्स्ट केस हो जाता है डिप्रेशन का। अब हमें पता था ये फर्स्ट और सेकंड पैरा में तो नहीं थी बात, थर्ड में जाएं नहीं, थर्ड में भी हमें क्लियर नहीं पता चल रहा ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही। डी में जाइए, डी में तो वो बात कर रहा है सोशल इंटरेक्शन, फीलिंग ऑफ सैडनेस। चलिए लेट्स गो टू ई नाउ। ई में वो केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन की बात कर रहा है, फिर वो ड्रग्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स कोई ट्रीटमेंट एंड ऑल की बात हो रही है इस पैसेज में। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पैसेज को। Clinical depression was originally solely attributed to chemical imbalance in the brain. Drugs which work to optimize level of feel good chemical. अब ये बता रहा है, कहता है उस ड्रग से हमें अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसने बोला, कहता ये जो है serotonin and all के chemical को release करता है, ये आज भी prescribe की जा रही है, prescribed today. Experts believe करते हैं that onset of depression may be caused by number and often combination of physiological and social psychological factor. Treatment, see, clear हो गया अब हमें। Treatment approaches vary quite dramatically from place to place and are often tailored to an individual's particular situation. समझ आया कि treatment approach जो है वो depend करती है place to place और बंदे का situation. Combination of medication, किसी में साइकोथेरेपी मींस ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स। सो देखिए, एक्सट्रीम केस की भी बात हुई है, लास्ट लाइंस पढ़िए। इन एक्सट्रीम केसेस वेयर एन इंडिविजुअल एग्जिबिट्स बिहेवियर विच इंडिकेट्स दे मे कॉज फिजिकल हार्म टू देमसेल्व्स, हेयर हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी विद इंटेंसिव थेरेपी। मींस वर्स्ट केसेस में ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बात हुई है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया है, ई। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केसेस वेयर ड्रग ट्रीटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट। गाइस हमें पता है, हम अभी पढ़ के जा रहे हैं ड्रग्स के बारे में, थेरेपी के बारे में, हम ना इसके नेक्स्ट पैसेज में ही जाएंगे इसमें।
उसने बोला सम रीसेंट स्टडीज सच एज दोज पब्लिश्ड बाय आर्काइव्स ऑफ जनरल साइकेट्री होल्ड दैट अराउंड अ क्वार्टर ऑफ डायग्नोज क्लिनिकल डिप्रेशन केसेस शुड एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट बट नॉन द लेस ऑर्डिनरी सैडनेस एंड माल एडजस्टमेंट टू कोपिंग विद ट्रायल्स इन लाइफ indicating that in such cases psychotherapy rather than treatment through medication is required means drugs are inappropriate they said psychotherapy is enough you need not to go for the drugs so the answer is f for the second now let's quickly move to the third details of how those diagnosed with depression may be more vulnerable then other members of society means details are given with जो जिनको डायग्नोज किया गया है डिप्रेशन से कि कैसे वो वल्नरेबल हैं दूसरे लोगों से चलिए लेट्स सी वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस गो टू ए नो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इन ए लेट्स मूव टू सेकेंड बी दे आर टॉकिंग अबाउट डेटा नाउ गो टू थर्ड In third, they are talking about many of us may experience periods of low morale or mood or feelings of dejection. Then in the last para, they are talking about clinical depression is classified as an ongoing state of negativity. Sufferers of clinical depression are said to be at high risk of resorting to drug abuse or even suicide attempt. Then the rest of the population means जो लोग सफ़र करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन से वो ज़्यादा जाते हैं किधर या ड्रग एब्यूज़ या सुसाइड अटैम्प तो उधर क्या बोला उन्होंने मोर वल्नरेबल सो द आंसर इज सी फॉर दिस ओके क्विकली मूव टू द फोर्थ वन इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटीज एटीट्यूड टू डिप्रेशन एंड सिमिलर इलनेस गाइस हमने पहले ही स्किम कर लिया है सारा पैसेज हमें पता है इसकी बात कहाँ हुई थी सोसाइटी का एटीट्यूड चलिए हमने ए में देखा था अगर आपको याद हो स्टार पढ़ा था कि डिफ़िकल्ट है आउटसाइडर और नॉन सफर के लिए जिनको खुद सफ़र होता है उन्हें पता है मेंटल इलनेस बाकियों को नहीं पता तो उन्होंने बोला है वाइल इट मे बी इजी फॉर अस टू सिंपथाइज विद इंडिविजुअल्स लिविंग विद द बर्डन ऑफ फिजिकल इलनेस और डिसेबिलिटी देयर इज ऑफन अ स्टिग्मा अटैच्ड टू बीइंग मेंटली इल Or I believe that such conditions only exist in individuals who lack the strength of character to cope up with the real world. So, next line they are talking about. The pressures of modern life seem to have resulted in an increase in cases of emotional disharmony and government initiatives in many countries have of late focused on increasing the general public's awareness and sympathy towards sufferers of mental illness and related conditions. So, if we go to fourth question, information about society's attitude, they are saying general public's awareness and sympathy towards sufferer of this. So, here they are talking about their attitude towards the depression. So, the answer to this information about society's attitude to depression and similar illness is A. Because it is clear in the A passage that they are talking about the society's attitude towards the depressed people. Now go to next one. Information regarding why estimates of incidence of future growth in cases may overly exaggerated. If you notice, हमें पता है second para में उन्होंने data दिया है तो यहाँ answer होने की ज़्यादा chance है लेकिन फिर भी हम एक बार क्लियरली चेक करेंगे कहाँ पे है इसका आंसर फिफ्थ का लेट्स गो टू बी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाई एस्टिमेट्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इन केसेस में भी ओवरली एग्जेजरेटेड हमें पता है इन्होंने यहाँ बात की है डेटा की 3 million 20% इन बी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी से क्लिनिकल डिप्रेशन और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस is said to affect almost 20% of the population at some point of their life prior to the age of 40. Studies have shown that this disorder is the leading cause of disability in North America. In UK, almost 3 million people are said to be diagnosed with some form of depression.
at any one time. And experts believe that as many as further 9 million other cases may go undiagnosed. WHO projections indicate that clinical depression may become the second most significant cause of disability on global scale by 2020. Guys, हम 2020 cross कर चुके हैं, means हम पहुंच चुके हैं already इसके. However, such figures are not unanimously supported. So, they are saying these figures are not supported unanimously. As some experts believe, diagnostic criteria used to identify the condition are not precise enough, leading to other types of depression being wrongly classified as clinical. So, question was, information regarding why estimates of incident of future ग्रोथ इन केसेस में ओवरली एग्जैजरेटेड, क्योंकि वहाँ पे कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज बनेगी, लेकिन उधर हाउएवर करके उसने कहा कि सच फिगर्स आर नॉट सपोर्टेड यूनैनिमसली, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील. तो आंसर अब फिफ्थ का क्या हुआ गाइस, बी. I hope इस वीडियो से आपको which paragraph contains the following information find करने में help होगी. For more videos like this, do subscribe our channel. Thank you.